नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी टू रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 के अंदर जो कैटेगरी नंबर 6 में आपका प्रोटेक्शन असिस्टेंट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था DH में, UH में और SVPNL डिपार्टमेंट हरियाणा। तो दोस्तों, उसके पेपर का जो है आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये परीक्षा आपकी 3 मार्च को इवनिंग सेशन में ऑनलाइन हुई थी। देखिए, आपके भविष्य के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके पे मेन फोकस है, हिंदी पे, इंग्लिश पे, मैथमेटिक्स पे और रीजनिंग पे। तो इन क्वेश्चंस पे हमारा जो और नेशनल जीके पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो कराएंगे और जो पेपर में आ रहे हैं वो कराएंगे, और दूसरा जो HSSC ने ऑफिशियल आंसर माने वहीं आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो जो मैंने हरियाणा जीके की वीडियो कराई उनकी एक अलग प्लेलिस्ट है, और जो आज तक HSSC के पेपर हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशन अब 1x1 विद मैथमेटिक्स विद रीजनिंग आपको जो एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसकी ये पहली वीडियो है। तो मैंने कुछ कैंडिडेट से पूछा भी था, तो कैंडिडेट का कहना था कि सर आप ना 2015 से शुरू ना करके 2020 से शुरू कीजिए। तो अभी तक आपके 2020 के अंदर 3 मार्च तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। 3 मार्च को इवनिंग सेशन में प्रोटेक्शन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आज की इस वीडियो में कर रहे हैं। दोस्तों, 1 से 50 करेंगे, 50 से आगे टेक्निकल पोर्शन है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात करूं ओस के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो ओस के पर्यायवाची तुषार, शबनम और हिम, ये तीनों ओस के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसने पूछा कि ओस का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्ष दोस्तों ओस का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलूँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलसी का विलोम नहीं है। देखिए, आलसी का विलोम परिश्रमी भी होगा, उद्यमी भी होगा और सफुर्तिला भी होगा या फुर्तिला भी होगा, ठीक है, लेकिन सम्मान आलसी का विलोम नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलूँ, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए, गाला काटना। देखिए, यहाँ पर HSSC से भी दोस्तों मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक आप इसे कह सकते, गाला काटना नहीं ये गला काटना होगा, लेकिन HSSC कभी अपनी गलती मानता नहीं है। तो अगर ऐसी छोटी मोटी गलती आपके एग्ज़ाम में हो तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन चीज़ों को स्वयं करेक्ट करके उस हिसाब से आंसर दें। गला काटना, ऑप्शन ए भटकते रहना, ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन सी अन्याय करना, ऑप्शन डी मार डालना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आपसे भी भली बात ही जानते हैं, गला काटना मतलब मार डालना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भी चिड़िया उड़ती इस वाक्य का एक वचन रूप क्या होगा। चिड़िया उड़ती हैं, एक वचन बताना, बहुवचन है, तो इसका एक वचन हो जाएगा चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेंद शब्द का सही बहुवचन बताना है, तो हो जाएगा गेंदे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो आपकी टेक्निकल पोस्ट होती है 90 क्वेश्चन, देखिए 90 क्वेश्चन तो हर पोस्ट के लिए आते हैं, लेकिन टेक्निकल पोस्ट में होता क्या है, 90 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन टेक्निकल आपके जो सब्जेक्ट है, कंसर्न ब्रांच है, उससे संबंधित आते हैं। पहले 50 में 5 हिंदी होती, 5 इंग्लिश होती है, उसके बाद नेशनल जीके होती, कुछ हरियाणा जीके होती, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन सारे आते हैं। तो सिक्स्थ में पूछा है करेक्ट सिनोनियम बताना है आपको ओडोर का। तो ओडोर का जो आपका करेक्ट जो सिनोनियम होगा, सिनोनियम का मतलब होता है दोस्तों समानार्थी, सिमिलर शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर सिनोनियम होगा आपका ऑप्शन बी स्मेल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेवन्थ क्वेश्चन में आपको एंटोनियम बताना है कोसियस का जो एंटोनियम होगा दोस्तों वो होगा केयरलेस। क्या होगा? केयरलेस, ऑप्शन सी। और एंटोनियम होता है दोस्तों विपरीतार्थक जो शब्द है, तो केयरलेस इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से एट्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें ईडियम दिया हुआ है, इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर होगा जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, कहते हैं ना बिल्कुल अंतिम समय में, इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल जस्ट एट द लास्ट मोमेंट में आपको क्या वो काम आपने कर लिया, सही आंसर रहेगा।
इसी प्रकार से नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूँ, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ही केम बैक फ्रॉम दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ही केम बैक फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। इसी प्रकार से टेंथ क्वेश्चन दोस्तों, सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि चार ऑप्शन दिए उसमें से एक ऑप्शन जो सेट होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना। मैरी सेट डैश एंड डैश सो दैट सी कुड बी इन द मिडल। दोस्तों बिटवीन एंड एंड का एक पेयर होता है, इस हिसाब से यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। मैरी क्या हो जाएगा अगर मैं पूरा पढ़कर बताऊँ, मैरी सेट बिटवीन अर्चना एंड रुचि, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से आपकी नेशनल जीके की और हरियाणा जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत और अत्यंत आवश्यक हैं, तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, फाइयान, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विंटर ग्रेड डीजल ईंधन का उत्पादन करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, इसका सही आंसर रहेगा। 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, तो दोस्तों सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य के अंदर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। अगर मैं 14वें क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्येक राज्य का कार्यकारी होता है, तो राज्यपाल, इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो राज्यपाल जो है भारत में प्रत्येक राज्य का कार्यकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है जी। लॉर्ड रिपन को क्या है भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान काल के दौरान, हरियाणा को किस काल के दौरान बहुधान्य के रूप में जाना जाता है, दोस्तों महाभारत काल के दौरान भी और अयोध्या काल के दौरान भी जो है हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, दोस्तों पानीपत की मेनली तीन लड़ाई थी, पहली लड़ाई आपकी 1526 ईस्वी में हुई, बार बार बता चुका हूँ, दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई, तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में हुई। तो ये तीनों लड़ाई आप जो दोस्तों बार बार याद करें तो ये बार बार जो है आपके एग्जाम में आती। पहली लड़ाई ऑप्शन ए जो है 1526 में हुई, दूसरी 1556 में हुई, तीसरी 1761 के अंदर हुई थी। तो ये तीन लड़ाई हैं हरियाणा की महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा दो लड़ाई तराइन की लड़ाइयाँ भी 1191 और 1192 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पूछा है कि भाई हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं, दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी से हैं, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। जनवरी 2020 को हरियाणा के परिवहन मंत्री के बारे में बात करूँ, मूलचंद शर्मा जी हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो BSF में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है जी, ये सौम्या जी, बिल्कुल सौम्या है, ये जो है BSF के अंदर जो है कमांडेंट, BSF में सहायक कमांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला है, ये सोनीपत जिले से संबंध रखती हैं। जनवरी 2020 को हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो देखिए जनवरी 2020 को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह है, ये भारत को, भारत का जो नेतृत्व हॉकी में कर चुके हैं और भारत की हॉकी टीम में कप्तान भी रह चुके हैं, अब ये हरियाणा के खेल मंत्री हैं, ठीक है, और ये पेवा से विधायक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं अगर चलूँ, 22वां, 2018 में हरियाणा ने खालिस्तान में अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया, ठीक है, बिल्कुल 2018 में हरियाणा ने किस स्थान पर या किस जिले में अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया, तो दोस्तों गुरुग्राम, इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, ठीक है। हरियाणवी किस भाषा की उपभाषा है, तो दोस्तों हरियाणवी जो है आपकी हिंदी भाषा की उपभाषा, इसको लेकर विद्यार्थियों के मन में काफ़ी डाउट था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं अगर चलूँ, प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म जो हरियाणा के
भिवानी जिले में हुआ। कहाँ पर हुआ जी? इनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ, रामपाल चहल का जन्म। अगर मैं बात करूँ आपकी जो चहल हैं, हमारे क्रिकेटर हैं, ठीक है, जो इंडिया को के लिए T20 में भी खेल चुके हैं, आपका वनडे में भी खेल चुके हैं, वो उनका जींद के अंदर जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी आपका 25वां, खालिस्तान ने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की, तो संत गरीब दास ने जो है हरियाणवी भाषा में जो है अमृतवाणी की क्या की थी जी? रचना की थी, इसका अनुवाद किया था, ठीक है। हरियाणा में सबसे गर्म जिले का नाम बताइए दोस्तों। हरियाणा के सबसे गर्म जिले की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर पूछा गया जिला, ये HSSC गलतियाँ करता है, ठीक है, तो नारनौल यहाँ पर HSSC ने इसका आंसर माना है, ठीक है। तो भाई हरियाणा के अंदर सबसे गर्म जिला कौन सा? यहाँ पर नारनौल जो HSSC ने दिया, ये गलतियाँ HSSC करता रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। खालिस्तान अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक कृत्रिम झील है। देखिए दोस्तों, जो सूरजकुंड झील है वो आपकी अरावली की पृष्ठभूमि में स्थित एक जो है कृत्रिम झील है। सूरजकुंड ये फरीदाबाद के अंदर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा अम्बाला के अंदर होती है, सबसे कम हिसार के अंदर होती है, ठीक है। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। सबसे कम विधानसभा सीटें हरियाणा के पंचकुला जिले में हैं, दो। तो चार ऑप्शन है, चारों के बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अम्बाला क्या जी? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, नगर निगम है। सबसे कम हिसार के अंदर होती है। CMCT करनाल है जी, धान का कटोरा करनाल है। पंचकुला के अंदर सबसे कम हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं। पीडमोंट मैदान किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? पीडमोंट जो आपके मैदान है उनको घर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? घर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है। अगर शहर की बात करूँ तो फरीदाबाद ही सबसे बड़ा हमारा शहर है। अगर सबसे जिले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा जिला हमारा फरीदाबाद है। हरियाणा में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो अनेकों अनेक बार मैं आपको बता चुका हूँ, हरियाणा के अंदर 5 जो हैं आपकी राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की आपकी 90 सीटें हैं। 90+1 भी हो तो भी आप वो आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन की सीट है हमारी। निम्नलिखित में से किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी? गैर जैव निम्नीकरण कचरा नियंत्रण अधिनियम। हरियाणा किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है? दोस्तों यही क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। तो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के पंचकुला जिले में 2 हैं। अम्बाला के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, ये आपका नगर निगम भी है। फरीदाबाद के अंदर क्या हमारा सबसे छोटा जिला आप इसको कह सकते हैं। हिसार के अंदर हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा के खालिस्तान जिले में वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत है। दोस्तों मेरे हिसाब से पंचकुला इसका आंसर होना चाहिए, आपके हिसाब से या कोई एविडेंस है कि फरीदाबाद इसका सही आंसर? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। गुरुग्राम क्या है हमारी, वो कहते हैं ना इकोनॉमिकल कैपिटल है हरियाणा की। यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के जींद जिले में कौन सा संरक्षण अभयारण्य स्थित है? तो हरियाणा के जींद जिले में बीर बारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1950 के अंत में भंडारण को प्रबंधित करने के लिए विकसित किए गए थे। क्या किए गए थे जी? ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1950 के अंत में खालिस्तान को प्रबंधित करने के लिए विकसित किए गए थे भंडारण को। तो निम्नलिखित में से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग चक्र, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है, ठीक है। खालिस्तान एक डिवाइस है जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन पर पॉइंटर का स्थान परिवर्तन करने के लिए उंगलियों से गेंद को घुमाता, ट्रैक बॉल इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान फिल्टरिंग का उपयोग अधिकांश एंटी स्पैम ईमेल कंपनियों को किया जाता, हस्ताक्षर
हस्ताक्षर आधारित कंटेंट फिल्टरिंग का उपयोग अधिकांश एंटी स्पैम ईमेल कंपनियों में किया जाता है। अब दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें सीरीज यहाँ पर आपको कंप्लीट करने, जैसे F5I H7L J10L14, ठीक है, 5 2 7 और 3 10। तो देखिए यहाँ पर 2 का, यहाँ 3 या जहाँ यहाँ 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो N19U यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, अप्रैल इज कोडेड एज YRPKG, हाउ इज ग्राइंडर कोडेड। देखिए दोस्तों रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है आपको कराने की, लेकिन आप ये देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन बात चल रही है रीजनिंग की मैराथन क्लास को लेकर, एक दिन में आपको HSSC की रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे, मैडम जी से बात इसको लेकर हमारी चल रही है। फाइंड द ओड मैन आउट, ओड मैन आपको आउट करना है दोस्तों, देखिए 12 144, इसका ओड 12 का स्क्वायर 144 है, एक ना तो 21 का स्क्वायर ये होता है, ना 15 का ना इसका, तो दोस्तों आपका 21 12 144 विषम हो जाएगा। इसी प्रकार से एनालॉगी को कंप्लीट करना है, कार्स को आपने SRAC उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया, तो पाइन को क्या करेंगे, उल्टा करके आप लिख देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आता है कि भाई 14,000 रुपये में वॉशिंग मशीन बेचने पर भारत को 12% का लाभ हुआ, वॉशिंग भारत में भरत ने या भरत में वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी थी। देखिए दोस्तों कह रहा 14,000 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हुआ, कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की थी, उसको 12 का लाभ हुआ तो 112 का होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 112 बराबर 14,000। मैथमेटिक्स का सवाल निकालने का तरीका बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 112 इज इक्वल टू 14,000, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 14,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस हिसाब से दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 100% यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो शुरुआत में कितने में खरीदी थी वो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 12,500 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप इसे काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये 112 और दोस्तों आपका 125 पे पूरा पूरा कट जाएगा, 125 और 12,500 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है तो 7,296 सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर अगर मैं चलूँ, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात 4:7 है, यदि पुरुषों की संख्या 324 है तो कॉलेज में कुल महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात 4:7 है, पुरुषों की संख्या दे दी तो महिलाओं की बतानी है। देखिए यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया है, तो पुरुष हो गए हमारे 4 के बराबर, महिलाएं हो गई हमारी 7 के बराबर, यह तो आप समझते हैं। या मैं कहूँ पुरुष डिवाइड बाय महिला इज इक्वल टू 4:7, रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो 4:324। तो 4 ये कितने टाइम है इसका, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, 4 8 32, 4 1 4, तो 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 81 से तो 324 आता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर 324 आपका जो है 4 का 81 गुना है, इसी प्रकार जो महिलाओं की संख्या होगी वो 81 गुणा में 7 होगी, तो 7 1 7 और 8 7 56। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका ये आंसर रहेगा। तो लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन में ना तो जो मैंने आंसर बताया वो है 891 यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात 4:7 है, यदि पुरुषों की संख्या 324 है। दोबारा ट्राई करते हैं सर, 324 डिवाइड बाय 4, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 और 4 1 4, 81 आता है सर, ठीक है। तो 81 को अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 567 ही यहाँ पे आंसर आएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों कुल संख्या पूछी है, माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम कर दी, तो कुल संख्या पूछी है, तो 324 तो दोस्तों हमारे यहाँ पर हो जाते हैं क्या, पुरुष, और महिलाओं की संख्या हमने निकाली है
567। तो 7 और 4 11 का 1 का असल आगे असल 1 हो गया हमारा, कैरी 1 हो गया, 6 2 8 1 9 5 और 3 8, तो इस हिसाब से 891 आंसर आएगा दोस्तों। तो पेपर में ये मिस्टेक आप ना करें जो यहाँ पर अभी मैंने कर दी थी, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अखिल प्रति माह 15,600 रुपये कमाता, वह अपनी आय का 70% खर्च करता, तो बाकी राशि की बचत करता, वह हर महीने कितनी बचत करेगा? ठीक है, तो दोस्तों देखिए 70% खर्च कर देता है, उसकी आय 100% बराबर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर इसको निकालने के लिए, 100 इज इक्वल टू 15,600, 1 करेंगे तो डिवाइड बाय 100 और 30 निकालना, क्योंकि बचत 30 की, तो मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, तो 156 मल्टीप्लाई बाय 30, तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 468 जीरो, तो 4,680 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों स्क्रू गेज के सही सिद्धांत की पहचान करें, तो स्क्रू इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है मैंने आपको जो है क्वेश्चन कराए, जो आपके नेशनल जीके से जुड़े हुए थे, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए थे, रीजनिंग से जुड़े हुए थे। अभी इन वीडियो का कैसा रिस्पॉन्स आता, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता दोस्तों तो आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, रीजनिंग की, ये मैं बोर्ड पर भी सोल्व कराऊंगा, अभी कोशिश की जा रही है ऐसे ही आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जाएँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।